CCD यानी कैफे कॉफी डे। ये नाम किसने नहीं सुना है, शायद ही कोई इंडियन हो जिसने आज तक CCD की कॉफी ना पी हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि CCD का हाल बेहाल चल रहा है, करोड़ों के कर्ज में डूबती जा रही है ये कंपनी, कहीं बंद ना हो जाए। करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023 से 2024 के पहले क्वार्टर में ही कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड का टोटल डिफॉल्ट रहा है 450 करोड़ रुपए। कंपनी का बैंक से दूसरे लेंडर्स पे करीब 220 करोड़ रुपए ड्यू हैं, जिसमें से कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 189 करोड़ तक की बैलेंस डिफॉल्ट हुई है। इतना ही नहीं, CCD लगभग 6.25 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भरने में भी अनसक्सेसफुल रही। इस कॉफी कंपनी ने NCD और NCRPS जैसे अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के जरिए ही लोन कलेक्ट किया था, जिस वजह से इनके ऊपर टोटल 244 करोड़ का बैलेंस ड्यू है, जिसमें से प्रिंसिपल है करीब 200 करोड़ का और बची हुई 44.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट है जो डिफॉल्ट में शामिल है। साल 2023 की बिगनिंग में मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इनके ऊपर 26 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी, जो लगभग 3500 करोड़ के फंड को डाइवर्ट करने पर बैन लगाने में फेल होने के चलते लगाई गई। लेकिन आखिर इतनी बड़ी कॉफी कंपनी इतने बड़े कर्ज में फंसी कैसे, ये जान लेते हैं। असल में साल 2019 में कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फाउंडर VG सिद्धार्थ की डेथ के बाद से ही कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब चल रही है, जो आज तक कभी ठीक हो ही नहीं पाई। वैसे तो इनकी वाइफ ने कंपनी की भागदौड़ संभाली और काफी लोन्स भी चुकाए हैं, लेकिन अभी भी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री नहीं हो पाई और कर्ज का ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इन डिफॉल्ट को देने का कंपनी ने सोल्यूशन भी निकाला है, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर। आपको बता दें कि कंपनी ने मार्च 2020 में अपना टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क बेचा था और उसके दौरान 13 लेंडर्स को लगभग 1650 करोड़ रुपए लौटाने की बात भी की थी, जिसके लिए ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ इनकी डील हुई थी। वैसे तो कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकी नई लीडर इस कंपनी को बुरे दौर से बाहर निकाल लाएंगी। अगर आप भी CCT पसंद करते हैं या स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।